बैक शहर रमज़ान हमारी रमज़ान की खसूसी ट्रांसमिशन आप लोगों के सामने पेश की जा रही है। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और हमारे एक और मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, क्यों फारूक जी? बिल्कुल समय, डॉक्टर अली मोहम्मद खान होम्योपैथी डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी जी बिल्कुल, कैसे हैं आप? खैरियत से? डॉक्टर साहब भी एक रेगुलर प्रोग्राम द्वारा में आते रहते हैं, अपीयरेंस करते रहते हैं, बहुत सा सोशल वर्क भी करते हैं, लेकिन इस वक्त जो है इनसे हम ये ज़रूर पूछेंगे कि इस वक्त जिस वबा ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, यानी कोरोना ने, कोविड-19 ने, उसका होम्योपैथिक में कोई इलाज है कि नहीं है डॉक्टर साहब? शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। देखिए, दुनिया में दो तरीके होते हैं, पहले उसकी तशखीस की जाए, फिर उसका इलाज किया जाए। तो अगर तारीख पे नज़र दौड़ाते हैं तो इस तरह की पेंडेमिक बहुत दफ़ा आ चुकी हैं, जैसे प्लेग आया, स्पेनिश फ्लू आया और टीबी आई, सार्स आया, इन्फ्लुएंजा आया। तो हमें इस वक्त, मैं तो रोज़ प्रोग्राम भी देखता हूँ, लोग लगे होते हैं कोई हाथ साफ करो, दो सूरतें होती हैं इससे बचने के लिए। एक तो ये होता है कि उस चीज़ को अवॉइड किया जाए जिससे आप मुतासर होते हैं, दूसरी ये है कि उसके पास उसकी इलाज क्या है आपके पास। ये तो हर बंदा ये बता रहा है कि आप हाथ धोएं, आप उससे दूर रहें, एहतियात और इलाज। एहतियात, अब इलाज की सूरत में ये है कि इसकी हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो चूँकि ये एक नई चीज़ है और उसकी हिस्ट्री ये है कि हमें स्पेसिफिक इम्यूनिटी की तरफ जाना पड़ेगा। स्पेसिफिक इम्यूनिटी ये है कि ये ज़्यादा मुतासर करता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को। तो लॉ ऑफ नेचर ये कहता है कि इससे पहले जितनी भी डिजीज़ जिन्होंने डेथ की हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें टीबी है, जिसमें इन्फ्लुएंजा है, जिसमें मलेरिया है, जिसमें निमोनिया है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी ट्रैक पे अटैक किया और रेस्पिरेटरी ट्रैक की वजह से डेथ हुई, तो लॉ ऑफ नेचर ये कहता है कि उससे बड़ी बीमारी या उससे मिलती जुलती इम्यूनिटी जिस्म के अंदर पैदा की जाए। जैसे टीबी के लिए टीबी की वैक्सीन दी जाती है, या इन्फ्लुएंजा के लिए इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, निमोनिया की वैक्सीन है। तो वो ये कहता है कि पहले से अगर मौजूद इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होगी तो कमज़ोर चीज़ उसको आएगी, अगर बॉडी पे हमलावर होगी तो उसको रोक देगी। तो हमें इस वक्त ज़रूरत है स्पेसिफिक इम्यूनिटी की, और वो डिजीज़ जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, टीबी है, इन्फ्लुएंजा है, मलेरिया है, ये अगर लोग इससे पहले एक्सपोज हैं तो वो बहुत हद तक इसको रोक लेंगे। अच्छा, बहुत हद तक रोक लेंगे। ठीक, दुनिया में जहाँ भी बचत के चांसेस हैं वहाँ या तो टीबी की बीसीजी वैक्सीन दी जा रही है, सही, या वो लोग मलेरिया से ज़्यादा एक्सपोज हैं। सो ये जो मिथ है, ये जो लोग आजकल यही बात कर रहे हैं कि जी शायद ये जो खत्ता है साउथ ईस्ट एशिया वाला, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, हमारा हमसाया मुल्क भारत, यहाँ पे लोगों की क्योंकि इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा, इसलिए कम इम्पैक्ट हो रहा है कोविड का। ये यहाँ देखें टीबी की बीसीजी चल रहा है, ठीक, यहाँ मलेरिया एक्सपोज लोग बहुत हैं, डेंगू एक्सपोज हुए हुए लोग, इन्फ्लुएंजा से एक्सपोज हैं, यहाँ निमोनिया से भी लोग एक्सपोज हैं। अब फ़र्क ये है कि हमारे और यूरोप में फ़र्क क्या है, ये टीबी जो है इन्फ्लुएंजा चला यूरोप से था, लेकिन वहाँ ये होगा पिछले 50 साल से वहाँ टीबी या बीसीजी की वैक्सीन बंद कर दी गई थी, वो कह रहे थे जी हमारे यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन वो इम्यूनिटी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की थी वो ख़त्म होगी। मैं ये नहीं कहता कि 100% लोग सेफ होंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इससे, एक मिनट सर, इसको साइलेंट कर लें, फिर यहीं से दोबारा शुरू कीजिएगा। अच्छा, रिकॉर्डिंग होगा। जी जी, मैं ये नहीं कहता कि इससे 100% लोग सेफ होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 90% से ज़्यादा लोग सेफ हो सकते हैं। ओके, और सेफ हैं, सेफ हैं बाय डिफॉल्ट। क्योंकि नॉर्मली ये भी कहा जाता है कि होम्योपैथिक इलाज जो होता है वो जरा हल्के जो है, नहीं, हल्का नहीं होता। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में भारी इलाज है, भारी इलाज है। नहीं, मैंने पहले भी आपको कहा था कि हमारा जो मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन है वो थ्रू नर्वस सिस्टम है। आप जितना अमरूद का, माल्टे का, किसी चीज़ का टेस्ट जबान पे फील करते हैं, इतनी देर में होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रेन में इफेक्टिव हो जाती है। सही, तो ये तो कंसेप्ट जो है ना बिल्कुल ही गलत है, पुराना है। वो अगर कोई दूसरा सिस्टम एक दिन में बीमारी को ठीक करेगा तो ये मिनटों में ठीक करती है। अच्छा,
तो मैं ये कह रहा था कि हमें स्पेसिफिक इम्यूनिटी की ज़रूरत है, और स्पेसिफिक इम्यूनिटी हमारी जो है, अब हमारे पास इस तरह की बहुत सारी मेडिसन्स होती हैं जो कि इस स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जैसे टीबी के खिलाफ इम्यूनिटी, इन्फ्लुएंजा के खिलाफ, निमोनिया के खिलाफ, मलेरिया के खिलाफ आप बढ़ा सकते हैं। और वो मैं पिछले कई आगे भी एक प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि इस वक्त दुनिया का जो सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम, वो फेलियर की तरफ जा रहा है। सही। तो आप एक अल्टरनेटिव सिस्टम को सपोर्ट करें और उसको आगे लाएं, और गवर्नमेंट, बल्कि मैं पूरी वर्ल्ड को कह रहा हूँ कि एक देखें उधर आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, डेथ तो आपकी हो रही है, आप रोक तो नहीं पा रहे, तो वाई आप क्यों नहीं एक अल्टरनेटिव सिस्टम को आगे लेके आते हैं। हो सकता है और ये मेरी ख्वाहिश भी है, और अल्लाह से दुआ भी है कि इंशाल्लाह ये आपको सपोर्ट करेगा। अल्टरनेटिव सिस्टम आपका मतलब होम्योपैथी? होम्योपैथी अल्टरनेटिव सिस्टम, और तो कोई सिस्टम ही नहीं है। तो आपने कोई एक्सपेरिमेंटेशन, कोई इस पर ट्रायल्स किए हैं? देखें, हमने तो बेशुमार ऐसे लोगों को जिनकी स्पेसिफिक इम्यूनिटी हमने बढ़ाई है, बेशुमार अमराज में हमने बढ़ाई है। और जब प्लेग फैला था उस वक्त भी होम्योपैथी ने बहुत काम किया, जब ये इन्फ्लुएंजा फैला उस वक्त भी हमने बहुत काम किया, और फिर जब आपका ये निमोनिया आया उस वक्त भी हमने बहुत काम किया, टीबी पे भी हमने बहुत काम किया। तो हमारी मेडिसिन जो है वो बहुत इफेक्टिव हैं, और स्पेसिफिकली हमारा मोड ऑफ एक्शन इसी तरह है जिस तरह वैक्सीनेशन का होता है। सही बात। तो हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी अगर बढ़ाएंगे तो हम बहुत सारे लोगों को सेव कर सकते हैं। ठीक है, सही बात है। और फिर एक बात मैं और करता जाऊं कि हमारे बहुत सारे पॉइजन हैं, जैसे स्नेक पॉइजन है, वो बहुत सारे स्नेक पॉइजन ऐसे हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक को फेलियर करके डेथ करते हैं, उनको भी डाइल्यूट करके अप्लाई किया जा सकता है एज ए मेडिसन, एंटीडोट के तौर पे। जी, वो पहले इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे आपकी स्नेक की वैक्सीन है, इस तरह के बहुत सारे हमारे जो स्नेक्स के पॉइजन हैं या दूसरे पॉइजन हैं, हाँ। वो भी डेथ कॉज करते हैं, और वो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक पे जिनके असरात हैं उनको डाइल्यूट करके कम मिकदार में बॉडी में दाखिल करके भी ठीक किया जा सकता है। असल में बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मसला ये है कि पूरी दुनिया में, क्योंकि ये पेंडेमिक फैली हुई है और हर जगह इसके साइंटिफिक ट्रायल्स भी हो रहे हैं, लेकिन ये आपकी बात अच्छी है, तजवीद अच्छी है कि ये एक अल्टरनेट वे को भी ऑप्शन देनी चाहिए, मतलब इस पे भी एक्सपेरिमेंटेशन या ट्रायल्स जिस तरह भी है साइंटिफिकली, वी हैव टू गो अबाउट इट। शिराज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी शिराज भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्रिया, फिट रखते हैं अपने आप को। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि होम्योपैथिक मेडिसिन की रोशनी में कौन सी ऐसी खुराक या ऐसी चीज़ें हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, जो आम इंसान घर पर बैठ के इस्तेमाल करे जिससे उसका ये जो कुव्वत मुदाफ़त है ये बढ़ सके, ताकि हम मुकाबला कर सकें? देखें, एक तो जनरल कुव्वत मुदाफ़त है, एक जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने पहले भी जिक्र किया कि स्पेसिफिक कुव्वत में आप जब एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली जो हाइकिंग लोग करते हैं या राइडिंग करते हैं या स्विमिंग करते हैं, उनमें यह है कि लंग्स ज़्यादा यूज़ होता है, उनके लंग्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसी तरह जो फ्रूट्स हैं आपके, स्पेशली जितने भी मौसमी फ्रूट्स हैं, वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। और इन दिनों में एक जो सबसे ज़्यादा पैनिक है या खौफ है, उसको भी दूर करना बड़ा ज़रूरी है। कि लोग ये कहते हैं कि जी मर जाएंगे अभी, तो अगर आप डेथ रेट दुनिया पूरी का कंसीडर करें तो कहीं 2% है, कहीं 3% है, कहीं 4% है। तो एक ये पैनिक बहुत ज़्यादा फैल गया कि जी इसकी वजह से हर बंदा सोच रहा है कि कोरोना हो गया तो खुदा ना खास्ता। उसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि जिनका ऑलरेडी इम्यून सिस्टम वीक है, जब वो फियर का शिकार होंगे तो वो ज्यादा इफेक्ट होंगे। बिल्कुल। जैसे कोई कार्डियक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, या ऑलरेडी कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक का किसी को मसला है, तो उनको ये मेरी तरफ से एक है कि उनको चाहिए कि उनके लिए स्पेशल ये एडवाइस है कि वो अपने इन चीज, एक तो फियर की मेडिसिन होती है, जैसे होम्योपैथी में बेशुमार ऐसी मेडिसिन है जो फियर्स में इस्तेमाल होती हैं, तो वो कम अज़ कम किसी अच्छे होम्योपैथ से एक आध फियर की डोज खा लें, या जिनके ऑर्गन स्पेसिफिकली वीक हैं, किसी भी सिस्टम का इम्यून सिस्टम वीक है, तो वो किसी होम्योपैथ से कंसल्ट करके अपना वो सिस्टम इम्प्रूव करें। और ये फियर जो है ना, ये जब वो जो 2% 3% है, उनसे भी ये निकल जाएंगे। और बहुत ज़्यादा कॉज कर रही है फियर, बहुत ज़्यादा कॉज कर रहा है। लेकिन ये डॉक्टर साहब, ऐसे मुझे भी नहीं पता था कि खौफ की दवाई होती है, अगर ये है तो मतलब जबरदस्त काम है। ये फौरन इनसे रابطہ करना पड़ेगा शो के बाद। नहीं, हमारी मेडिसिन है, जैसे जलसीम है, इग्नेशिया है, मैं
नाम ही बता देता हूँ, जेल्सियम की 1 mg की एक डोज ले लें, इग्नेशिया 1 mg की, तो ये फियर को बहुत हद तक खत्म कर देगी। और एक तरह की बीमारी है, मतलब अगर किसी के अंदर ये खौफ की बीमारी है तो वाकई उसकी तो दवा फिर होनी चाहिए। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि हालांकि काम भी कुछ नहीं करते लेकिन घरों से इसलिए भी नहीं, थोड़ा बहुत अभी बाहर नहीं निकलने के फियर बाहर निकलूंगा आपको एंजाइटी भी है, टेंशन भी है, तो उसके लिए कम अज कम। और मैंने पहले भी बहुत सारे फोरम पे ये कहा है कि अगर गवर्नमेंट या वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी हम रिकॉग्नाइज हैं तो हमें मौका देती है, तो मैं आप पूरी दुनिया में कम से कम पाकिस्तान का तो मैं जिम्मा ले सकता हूं कि हम फ्री ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार हैं। अगर गवर्नमेंट हमें अलो करती है तो सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है, आप क्यों नहीं इसको, क्या नुकसान क्या है इसका, मुझे ये बताएं कि इसका नुकसान क्या है। नुकसान नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन ऑब्वियसली एक सिस्टमेटिक तरीका है जिससे मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट चलती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ चलती है, और ऑब्वियसली वो एक साइंटिफिक तरीके से चलेंगे, ऐसा ना हो जाए कि उसका कोई साइड इफेक्ट ना नहीं, साइड इफेक्ट कोई नहीं होगा, मौत से ज्यादा साइड इफेक्ट कोई नहीं होता, जिस तरह से डेथ हो रही उससे देखिए हम बहुत जगह सपोर्ट कर सकते हैं, हम फियर में सपोर्ट कर सकते हैं, इम्यूनिटी लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत जगह सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा शिराज साहब आपकी तरफ आऊंगा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, आप हिस्टोरियन भी हैं और आप बड़ी जबरदस्त पूरी पिंडी की हिस्ट्री बता रहे थे अभी, पहली बेकरी कौन सी होती थी पिंडी में और वो सारा, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको बीइंग अ हिस्टोरियन, आपने हिस्ट्री पढ़ी भी है, स्टूडेंट भी रहे होंगे हिस्ट्री के, आपको कभी अपने लाइफ टाइम में याद है या हिस्ट्री के ऐसे औराक में इस तरह के हालात जिस तरह के आजकल हैं ये इस पेंडेमिक की वजह से।